गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए मॉड्यूल को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को। और ये जो टॉपिक है आपका, एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं कहूँ आपको इंग्लिश लिखना है, तो उसके लिए आपको अल्फाबेट्स यानी ABCD का ज्ञान होना जरूरी है। वैसे ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को जानने के लिए सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो अभी तक आपने पढ़ा और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बीच जो डिफरेंस होता है, वो मोटा मोटी एक डिफरेंस होता है। हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करते हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी आपका क्या होता है, जैसे कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब कि उसके कोई भी शेप में ना तो चेंज होता है न तो साइज में चेंज होता है, ठीक है। हम फोर्स लगाते हैं तो, यही हम डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करें तो अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है, इसका मतलब है कि उसके शेप में भी चेंज होगा, साइज में भी चेंज होगा, ठीक है। तो यही एक मोटा मोटा डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, तो पहला हम लेते हैं जो एक टर्म है स्ट्रेस, ठीक है, इसको जानते हैं पहले। स्ट्रेस, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक प्रिज्मेटिक बार, ठीक है, एक प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक का मतलब पहले समझ लेते हैं, प्रिज्मेटिक क्या होता है, ठीक है। प्रिज्मेटिक मैं लिख देता हूं यहां पे, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये देखिए, अगर मैं यहां से इतना इतना पोर्शन निकाल दूं, इधर से इतना पोर्शन निकाल दूं और यहां से इतने लेंथ में, इतने लेंथ की बात करूं, तो इसका कहीं पे भी मैं कट करूंगा यहां पे कट करूंगा, यहां पे कट करूंगा, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा क्या होगा, इसके लेंथ के अलोंग क्या होगा, सेम होगा। आ रही बात समझे, इसके लेंथ के अलोंग क्या होगा, हर जगह क्रॉस सेक्शन, इसका थिकनेस सुकनेस सब कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो जो आपका जो भी बॉडी है, अगर वो उसके लेंथ के अलोंग उसकी क्रॉस सेक्शन और उसकी डायमेंशन क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ, तो उसे हम बोलेंगे प्रिज्मेटिक बॉडी या प्रिज्मेटिक बार है तो बार बोलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं, जो उसका क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया एंड अदर डायमेंशन, अदर डायमेंशन आर कांस्टेंट throughout the length, जो भी उसकी क्रॉस सेक्शन और डायमेंशन होना चाहिए, अदर डायमेंशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट दी लेंथ, जैसा कि आपने मार्कर में देखा। तो ये आपका प्रिज्मेटिक बार है, देखिए इसका, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट दी लेंथ। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर जो है पुल फोर्स अप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, एक पुल फोर्स अप्लाई करता हूँ, पी। मैं पुल क्यों, पी से क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पुल फोर्स है, PULL पुल फोर्स है, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है, जैसे देखिए ये मेरे पास मार्कर है और मैं इसको फोर्स लगा के, जैसे ये देखिए, इसको मैं फोर्स लगा के खींच रहा हूं, वैसे देखिए पुल फोर्स लगा रहा हूं, खींच रहा हूं, देखिए क्या हो रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, यहां से ये वाला पोर्शन इधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, देखिए यहां पर जा रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब है जितना मैं फोर्स इधर से लगा रहा हूं, इधर से जितना लगा रहा हूं उतना ही फोर्स मुझे ये मार्कर इधर भी लगा रहा है, और जितना इधर से लगा रहा हूं उतना ही फोर्स इधर लग रहा है। आ रही बात समझ में, तो लेकिन बॉडी क्या बनी हुई है, इक्विलिब्रियम में बनी हुई है, ये क्या कर रहा है, जितना फोर्स इधर से लगा रहा हूं उतना ही फोर्स इधर लगा के ये क्या कर दे रहा है, बॉडी को इक्विलिब्रेट कर दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है, तो अगर मैं यहां पर इसको, अगर इक्विलिब्रियम में है ये बॉडी और मैं यहां से कट कर दूं, आ रही बात समझ में, इसको कट कर दूं, ये बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो मैं इसको यहां पे कट कर देता हूं और कट करके यहां पे इसका ये वाला पोर्शन बनाता हूं, ये वाला वन हो गया, ये वाला टू हो गया, तो इसको मैं यहां पे बनाता हूं, ये देखिए आपका यहां पे ये पोर्शन है, यहां पे पी फोर्स लग रहा है, और सेम इसके नीचे मैं थोड़े दूर पे बना देता हूं ताकि चीजें क्लियर हों, ठीक है, ये पोर्शन दूसरा हो गया, दूसरा पोर्शन हो गया ये, अरे वास्तव में ये पहला पोर्शन हो गया, ये दूसरा पोर्शन हो गया, ये लग रहा है पी। तो आप देख रहे हैं
कि जब आप जो है इधर से खींच रहे थे ऐसे, तो इधर से खींच रहे थे तो इधर आपका क्या लग रहा था, रेजिस्टेंस लग रहा था, कोई ना कोई फोर्स है जो लग रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी इक्वल होगा, तो मैं मान लेता हूँ टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, आर बात सुनिए, तो ये जो रेजिस्टेंस लग रहा है, अगर मैं ये इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखा दूँ, क्रॉस सेक्शन जो है ये जो है ऐसे है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन, अब अगर मैं 3D में इसको बनाऊँ तो ऐसे होगा, आ रही बात समझे, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया मैं मान लेता हूँ कैपिटल ए है, आ रही बात समझे, ये जो एरिया है ये कैपिटल है जिस पे ये फोर्स लग रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस की बात करूँ, तो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस की बात करूँ, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, ये हम सिग्मा दिखाते हैं, सिग्मा जो कि ग्रीक लेटर होता है, ये सिंपली होगा आपका इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये जो है आपका कौन सा है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो जनरेट हो रहा है बॉडी के अंदर। जैसे मैंने इसको खींचा ना, तो जब मैं खींच रहा हूं तो बॉडी क्या कर रही है, इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, तो वही जो है आज जब मैं दोनों तरफ से खींच रहा हूं तो इधर की तरफ यहां लग रहा है और इधर से इधर की तरफ लग रहा है। तो यहां पर देखिए ऐसे ही है ये सिचुएशन, ऐसे ही है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो यही इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो लग रहा है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, मैं आर को लिख देता हूं, क्या है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस होगा, या सिंपली होगा स्ट्रेस, आ रही बात समझ में, क्या होगा, स्ट्रेस होगा। तो मैं स्ट्रेस को डिफाइन करूं तो यहां पे लिख देता हूं स्ट्रेस की डिफिनीशन, इट इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट एरिया by a body against a load, ठीक है, क्या है डिफिनेशन इसकी, इट इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट एरिया बाई अ बॉडी अगेंस्ट अ लोड, लोड के अगेंस्ट जो बॉडी हमारा रेजिस्टेंस ऑफर करता है यूनिट एरिया पे, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। सिंपल सी बात है, हमारा बॉडी जो है लोड के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है यूनिट एरिया पे, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस, आ रही बात समझ में। तो यहां पे लोड एक टर्म आ रहा है, लोड को समझ लीजिए, लोड क्या होता है, लोड जो है सिंपली कुछ नहीं होता है, एक्सटर्नल फोर्स या कपल होता है, क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स या कपल होता है, क्या कपल होता है, कौन सा कपल, एक्सटर्नल कपल, ठीक है। तो यहां पे ये कौन सा फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स ही तो है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है ये क्या कहलाएगा, यही लोड कहलाएगा, आ रही बात सुन में, ये भी लोड कहलाएगा, ये भी लोड कहलाएगा, और ये आपका आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है लोड के आने से, ये जो है आप जानते हैं कि जो आपका इंटरमोलिकुलर कोहेसन फोर्स होता है वही क्या करता है, ये रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। देखिए इसको हम समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा जो है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे, देखिए इसको बॉडी को बना देते हैं फिर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं कंसिडर करता हूँ सेम यही बार, ठीक है, जो अभी मैंने अज्यूम किया था, ठीक है, और यहाँ पे आपका पुल फोर्स लगा था, ठीक है, पुल फोर्स, चलिए पुल फोर्स लगा था यहाँ पे पुल फोर्स लगा था पीपी। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी किससे से बनी होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से या नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनी होती है, तो मैं यहाँ पे एटम्स बना देता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स बना देता हूँ। अब ये एटम्स ना समझिए, आप ये समझिए ये भाई भाई हैं और एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं, ये ऐसे पकड़े हुए हैं, ये ऐसे पकड़े हुए हैं एक दूसरे का हाथ, ठीक है,
और आप जानते हैं कि अगर ये पकड़े हुए हैं एक दूसरे का हाथ और ये बैठे हुए हैं एक जगह पे, तो अगर इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई आएगा और खींचना चाहेगा तो क्या ये खींचने देंगे आसानी से? नहीं खींचने देंगे भाई, नेचर होता है ये नेचर होता है। जैसे कि केमिस्ट्री में कहा जाता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो स्टेबल स्टेट में रहना चाहते हैं, हर कोई स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है, वो चेंज नहीं होना चाहता है, ठीक है। चाहे फिजिक्स की बात करिए, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करिए, पूरा ये हर एक बॉडी का नेचर होता है कि वो अपने स्टेट में बने रहना चाहता है। तो ये लोग भी, ये भाई लोग भी अपने हाथ से ऐसे पकड़े रहेंगे और जैसे ये फोर्स लगाएगा ये क्या करेंगे, ये भी जो है अपना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, ये इधर ऑफर करेगा और इस फोर्स के लिए ऐसे ऑफर करेगा। आ रही बात समझ में? ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, आ रही बात समझ में? ऐसे खींचेगा ऐसे, तो ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। आ रही बात समझ में? ये इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। कैसे डेवलप हो रहा है? आपने ये देखा। और ये जो है इनके बीच जो मैंने हाथ पकड़ने की बात करी वो बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं, एक दूसरे बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं। आ रही बात समझ में? दुनिया में कोई भी चीज़ है, जैसे मैं आप बैठे हुए हैं कहीं पे, ठीक है, तो बैठे हुए हैं तो आप जो है क्या करना चाहेंगे, स्टैटिक में हैं तो स्टैटिक में ही रहना चाहेंगे, मतलब बैठे ही रहना चाहेंगे। कोई आके डिस्टर्ब करेगा तो आप क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो वैसे ही ये एटम्स भी क्या करते हैं, जो फोर्स है उसका अपोज करने के लिए रजिस्टिव फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कोहेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कोहेशन, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रजिस्टिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कोहेशन, ठीक है। कोहेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को बोलते हैं कोहेशन फोर्स, ठीक है। तो ये आपके बीच फोर्स लगेगा जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। अब कहेंगे आप कि ये बताइए कि जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ये मॉलिक्यूल्स क्यों ऑफर करेंगे भाई, स्टेट में अपने अपने अपोज करने के लिए वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, क्यों ऑफर करेंगे? तो सिंपल सा आंसर है कि भाई ये नेचर होता है। क्या होता है? नेचर होता है मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, इसका कोई आंसर नहीं है। जैसे कि आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में जो लॉ दिए गए हैं, या कहा जाए हीट फ्लो होता है, तो हीट फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होता है, तो ये ऑब्जर्वेशन करके बताया गया है, ऐसा जो है कोई प्रूफ नहीं है इसका, ये जो है केवल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से ये प्रॉपर्टी है उसकी कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करता है, तो वैसे ही ये जो है आपका नेचर है इसका, क्या किसका, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का नेचर है कि अपोज करना अपने स्टेट को। तो यही इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जो है आपका क्या होता है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो होता है आपका स्ट्रेस होता है। और इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस की बात करूं तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेस, या हम इसको सिंपली स्ट्रेस भी बोल देते हैं। आरी भाषण में स्ट्रेस बोलते हैं, एक्चुअली ये इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस है, तो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस बोलिए या स्ट्रेस बोलिए, और ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स को बोलते हैं हम स्ट्रेस। क्लियर है? और ये जो है थोड़ा सा जो है थोड़ा सा टर्म जो है आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो यहां पे स्ट्रेस जो है आपका इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होता है, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस जो होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। लेकिन क्या होता है कि आपका इसको भी स्ट्रेस बोल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पर यूनिट एरिया में डिफाइंड है, इंटेंसिटी की बात कर रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। पहले यूनिट से पहले एक चीज और देख लें। आप देखिए ये जो है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया है। अब देखिए आप जानते हैं जब ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो हम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो इसका मतलब है इधर आपका ये P लग रहा है, P पॉजिटिव होगा, इधर R लग रहा है मतलब माइनस R होगा, ये जीरो होगा, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, R, या R इक्वल टू P हो जाएगा। तो हम यहाँ से सिग्मा इक्वल टू लिखेंगे, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बॉडी का, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये A है, आ रही भाषा में, ये बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है, आ रही भाषा में ये A है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये P डिवाइडेड बाई A सिंपली लिख सकता हूँ कि नहीं, आपका ये मैं P बाई ए लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि भाई P इक्व टू आर, तो ये क्या आ जाएगा, R इक्व टू P लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए तो P बाई ए हो गया, तो P बाई ए जो है
सिंपली जो है आपका ये एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो गया। तो P बाई ए का मतलब ये मत समझना कि जो है एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया होता है आपका स्ट्रेस, ऐसा कुछ नहीं है। ये P जो है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स के इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है, इसके इक्वल ये है, आर बात समझ, R इक्वल टू P है, ठीक है। तो चलिए अब हम यूनिट की बात कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होगा, सिंपली अभी हमने बताया सिग्मा इक्वल टू क्या बताया, पी अपान ए, तो पी आपका क्या है फोर्स और नीचे क्या है एरिया। तो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस की, तो क्या हो जाएगा, सिंपली अब लिख सकते हैं आपका पी की यूनिट, पी की यूनिट क्या होगी एसआई में न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। और आप प्रेशर क्या जानते हैं, प्रेशर, प्रेशर भी तो आपका क्या होता है फोर्स अपान एरिया, ठीक है, फोर्स अपान एरिया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको बताने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था पास्कल, क्या नाम था पास्कल, तो इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी वन पास्कल, आरी भाषण में वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वन पास्कल हो जाएगा, आरी भाषण में। अभी जो है आपको लग रहा होगा कि स्ट्रेस और प्रेशर दोनों एक ही हैं, ठीक है, तो हम जो है अभी इसको क्लियर कर देंगे, एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद से इसको क्लियर कर देंगे कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी हम यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होगा किसके इक्वल होगा, स्ट्रेस की यूनिट वन पास्कल के, आरी बात समझ में, वन पास्कल के। इन दोनों की यूनिट बस सेम होती है, बाकी अदर चीजें डिफरेंट होती हैं, याद रखिएगा ये जो है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। आपकी इन दोनों की यूनिट, प्रेशर और स्ट्रेस की दोनों की यूनिट सेम होती है, बाकी अदर चीजें डिफरेंस होती है, ठीक है। तो देखिए वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वन पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है, वन पास्कल के इक्वल। अब देखिए यहां पे हम कुछ बिगर यूनिट्स की बात कर लेते हैं, बिगर मतलब लार्जर यूनिट, ठीक है, बड़े यूनिट्स की बात कर लेते हैं, लार्जर यूनिट्स की बात कर लें, ठीक है। तो सबसे पहला होता है वन किलो पास्कल, आ रही बात समझ में, तो वन किलो पास्कल जो होता है 10^3 पास्कल के इक्वल होता है। वन मेगा पास्कल होता है, वन कैपिटल एम ए लिखा जाता है, ये स्मॉल के रहेगा याद रखिएगा, किलो का हमेशा लोग क्या करते हैं कैपिटल बना देते हैं, कैपिटल के नहीं होता है, ये गलत है, आ रही बात समझ में, स्मॉल के होगा। तो 1 किलो पास्कल इक्वल टू 10^3 पास्कल, 1 मेगा पास्कल, मेगा का एम कैपिटल में रहेगा, 10^6 पास्कल याद रखिएगा, ठीक है। 1 गीगा पास्कल किसके इक्वल होता है 10^9 पास्कल, ये कैपिटल जी से शो करते हैं, कैपिटल जीपीए। उसके बाद से होता है 1 टेरा पास्कल, 1 टीपीए, 1 टेरा पास्कल जो होता है TERA टेरा पास्कल, 10^12 पास्कल की कुल होता है। इसके आगे जो है पेटा पास्कल होता है, पेटा पास्कल 10^15 पास्कल की कुल होता है। उसके बाद से 1 एक्सा पास्कल होता है, एक्सा पास्कल जो है 10^18 पास्कल की कुल होता है। तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें बस जरूरत है यहां तक हमारा काम हो जाएगा, आ रही बात समझ में, यहां तक आपको इतनी याद रखनी है, बाकी ये भी याद रख लेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं स्मॉलर यूनिट्स, छोटे यूनिट्स किसके, स्ट्रेस के यूनिट्स। तो ये होते हैं आपके 1 मिली पास्कल, तो ये केवल स्मॉल एम होता है, ठीक है, स्मॉल एम, तो ये होता है 10^-3 पास्कल के, ठीक है, 1। उसके बाद से होता है 1 माइक्रो पास्कल, म्यू, इसको म्यू से लिखते हैं, 10^-6 पास्कल, ठीक है, 1 नैनो पास्कल स्मॉल एन से लिखते हैं, ठीक है, ये होता है 10^-9 पास्कल। उसके बाद से होता है 1 पिको पास्कल, ठीक है, 1 पिको पास्कल, ये होता है 10^-12 पास्कल। इसके आगे होता है 1 फेम्टो पास्कल, 1 फेम्टो पास्कल होता है 10^-15 पास्कल के, लेकिन आपको इतनी जरूरत नहीं है, आपको बस मुझे लगता है यहाँ तक आपका काम हो जाएगा, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। हम स्ट्रेसेज में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यूज होगा ये और ये। तो हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, जो कि आप नोट करके एकदम लिखिएगा, नोट एकदम स्टार बना लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, पूरे जो इस टॉपिक में आपको ये जो है बहुत हेल्प करने वाला है। तो 1 मेगा पास्कल जो है, 1 मेगा पास्कल किसके इक्वल होता है, देखिए
1 मेगा पास्कल अभी हमने बताया 10^6 पास्कल के इक्वल होता है, अभी बताया हमने, ये देखिए 10^6 पास्कल के इक्वल होता है। तो देखिए 10^6 पास्कल को हम अभी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई बताओ, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम 10^6 न्यूटन, अब मीटर स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं एमएम में, तो एमएम के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर = 1000 मीटर, तो 1 मीटर = 1000 एमएम होता है, तो एमएम ये हो गया, स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 10^6 और 10^6 कट जाएगा। आ रही बात समझ में, नीचे भी चलिए मैं कर देता हूँ 10^6 और ये न्यूटन पर मीटर एमएम स्क्वायर। आ रही बात समझ में भाई, मीटर किस में चेंज हो गया, एमएम में, तो ये आपका आ गया 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कब ये 1 मेगा पास्कल होता है, 1 मेगा पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको बिल्कुल एकदम याद रख लीजिएगा स्टार बना के, 1 मेगा पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं।